हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय शिंदे और आज का टॉपिक है मैड काउ डिसीज। यू पीपल माइट हैव हर्ड दिस वर्ड इन 12th NCERT बायोलॉजी बुक। तो आज हम देखेंगे मैड काउ डिसीज होता क्या है। आपने कोरोना का नाम सुना है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि COVID-19 के वजह से होता है। देन म्यूकर माइकोसिस का भी नाम सुना है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है जो ब्लैक फंगस से होता है। आपने रेबीज का भी नाम सुना है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डॉग बाइट या फिर रैट बाइट से होता है। लेकिन ये मैड काउ डिसीज इन सारे इन्फेक्शन से अलग है बिकॉज ये कोई वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन नहीं है। ये एक कुछ अलग ही लेवल का इन्फेक्शन है। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1976 में यूनाइटेड किंगडम में। एक फार्मर सुबह जब अपने फार्म में जाता है तब वो नोटिस करता है कि उसके जो कैटल्स, उसके जो काउ थे, वो अपना सर किसी दीवार के ऊपर पटक पटक कर मर गए। तो उसने वेटरनरी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया। वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी था। उन्होंने उस फार्मर की बात सुनी और उन्हें ये अलग ही मैटर लगा। वो वेटरनरी डॉक्टर्स ने सारे डेड बॉडी भेज दिए फॉर पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चला कि जितने भी डेड बॉडीज हैं उनके जो ब्रेन है वो आधा हिस्सा उस ब्रेन का गायब है। यही बात 1992 में US में नोटिस की गई थी। तो वो एरिया जहाँ पे ये बात नोटिस की गई थी वो अभी भी सील है। तो ये कैटल्स को ही इन्फेक्ट करता है। सो इट इज़ वन ऑफ द डेडलीएस्ट डिसीज। इसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कुछ अलग ही लेवल का, अलग ही टाइप का इन्फेक्शन है जो कि प्रियॉन्स से होता है। तो ये प्रियॉन्स क्या है? आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसे सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म यानी कि बैक्टीरियोप्लाज्म होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA या फिर RNA होता है। अपने वायरस का भी स्ट्रक्चर बायोलॉजी की बुक में देखा होगा, एक कवरिंग होती है जिसके अंदर उसका RNA या फिर DNA होता है। लेकिन जो प्रियॉन्स होते हैं ये नेक्स्ट लेवल के होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेटेड है। सेल्फ रिप्लिकेटेड यानी कि इन्हें कोई होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं है रिप्लिकेशन के लिए, ये खुद रिप्लिकेट हो सकते हैं। तो ये इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी अगर बॉडी पार्ट के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर बाइंड करते हैं तो उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये ओरल रूट से एंटर करते हैं थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। और बिकॉज ये साइज में स्मॉलर है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं। जब ये ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच होते या फिर बाइंड होते तो वो धीरे धीरे ब्रेन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई जो कैटल या फिर काउ होते वो अपनी कंट्रोल एबिलिटी या फिर बैलेंसिंग एबिलिटी को लूज करते हैं और अपना सर किसी सरफेस के ऊपर पटक पटक कर मर जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द मैड काउ डिसीज। तो जब ये डिस्कवर्ड किया गया था UK में 1976 में, उसके बाद इसके केसेस रिपोर्ट किए गए थे US में 1992 में। तो ये दोनों एरिया वहाँ के गवर्नमेंट ने सील किए हैं और वहाँ पे उन्होंने घोषित किया कि ये रेड जोन है, वहाँ पे किसी का भी एंट्रेंस अलाउड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैड काउ डिसीज।